वडनगर पत्रकार शैलेंद्र सिंह राठौर उर्फ बंटी पर जानलेवा हमला। वडनगर के वरिष्ठ पत्रकार शैलेश सिंह राठौर पर रात में 11 बजे बोरवेल की बात को लेकर शैलेंद्र सिंह सिसोदिया और उसके पुत्र ने मिलकर प्राण घातक हमला कर दिया। आरोपियों ने पत्रकार पर उस समय प्राण घातक हमला किया जब वह अपने स्वयं के परिसर में अपनी कार को पार्किंग कर रहे थे। उसी दौरान परिसर के अंदर घुसकर तीनों आरोपियों ने मिलकर पत्रकार और उनके बेटे सुयश सिंह राठौर पर हमला किया। सुयश सिंह राठौर को जबड़े, हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उसकी भी अभी सर्जरी होना है। बड़नगर के वरिष्ठ पत्रकार शैलेश पर रात में 11 बजे बोरवेल की बात को लेकर शैलेंद्र सिंह सिसोदिया और उसके पुत्र राघवेंद्र सिंह व अभिप्रज्ञ सिंह ने मिलकर प्राण घातक हमला कर दिया, जिससे पत्रकार के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और लगभग 36 टाँके आए और सोमवार को उनके सिर का ऑपरेशन होना है। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यूनाइटेड प्रेस क्लब ने मांग की है कि अगर आरोपी से गिरफ्तार नहीं होते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी देकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। आए दिन पत्रकारों पर जानलेवा हमले थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना ये होगा कि बड़नगर पुलिस प्रशासन किस तरह से न्याय मिलता है। साथ ही यूनाइटेड प्रेस क्लब ने मांग की है कि आरोपियों पर 307 की धारा में कार्यवाही की जाए। शैलेंद्र सिंह राठौर के साथ कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की है और उन्हें काफ़ी चोट आई है और वो इंदौर में भर्ती हैं और उनकी सर्जरी होना है। इस मामले में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई? रात में हमें जानकारी मिली कि शैलेंद्र राठौर और शैलेंद्र सिसोदिया, इनका आपस में कुछ विवाद हुआ। ये पुराना कुछ विवाद था जो एक ट्यूबवेल लगाने को लेकर था आपस में। इसमें इन दोनों ने आपस में मारपीट की और जैसे ही हमें जानकारी मिली तो थाने पर दोनों पक्षों की तरफ से कार्रवाई की गई है। दोनों में FIR की गई है। इसमें धारा 323, 294, 506, 34 IPC की कार्रवाई की गई है। अभी उनका जैसे ही हमें मेडिकल रिपोर्ट आगे की प्राप्त होती है, अगर उसमें हमें ज़्यादा चोट संभावित दिखती है तो हम उसमें धाराएं बढ़ाकर भी कार्रवाई आगे करेंगे। मैं कल रविवार को नवमी और दशहरा होने से माता जी के दर्शन करने गजनी खेड़ी महिषासुर मर्दिनी अपने परिवार को लेकर गया था। वहाँ से सातरुंडा माता जी, कमल का माता जी भी वहाँ से गया और जब वहाँ से आकर के ढुलाना होता हुआ बड़नगर आया और मेरे परिवार को घर उतारकर मैं परिसर में अपनी कार पार्क कर रहा था। मेरा बेटा उस समय वहीं मौजूद था। उसी दौरान शैलेंद्र सिंह सिसोदिया और उसके दोनों पुत्र हथियार लेकर अचानक वहाँ आए और कायरतापूर्वक धोखेबाजी से उन्होंने मुझ पर पीछे से हमला किया। ये बीते 8-10 दिन से वो मुझे फ़ोन पर भी धमकियाँ दे रहा था नए नए नंबरों से और मैं पत्रकारिता में बीते 30 वर्षों से सक्रिय हूँ। बीते कुछ समय पहले मुरली मोरवाल जी विधायक द्वारा कांजी हाउस में एक बोरवेल किया गया था। बस उसी बोरवेल के कारण ये बबलू सिसोदिया, शैलेंद्र सिंह सिसोदिया मुझसे रंजिश रखता है। मोहल्ले में भी 4 दिन पहले उसने किसी को कहा था, 4-5 लोगों को कहा, मेरी मदर को भी कहा उसने कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा और आज उसने इस प्रकार से कायरतापूर्वक धोखेबाजी से मुझ पर जो हमला किया, मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ ऐसे असामाजिक तत्वों और गुंडों को के साथ बुरा सलूक होना चाहिए, इन्हें इस कृत्य की सजा मिलनी चाहिए। मैं और मेरा बेटा इनके विवाद में बुरी तरह से हम जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। मैं शासन से, प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे असामाजिक तत्वों का जुलूस निकाला जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किया जाए।